नया टॉपिक है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। ठीक है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर इज़ अ स्पेशलाइज्ड माइक्रो प्रोसेसर चिप विद इट्स आर्किटेक्चर ऑप्टिमाइज फॉर द ऑपरेशन नीड ऑफ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर जो है वो आपका एक स्पेशलाइज्ड माइक्रो प्रोसेसर चिप है जिसके अंदर जो आपका आर्किटेक्चर है वो है ऑप्टिमाइज फॉर ऑपरेशनल नीड्स ऑफ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की जो भी ऑपरेशन नीड्स हैं उनके लिए जो आर्किटेक्चर है वो ऑप्टिमाइज है। ठीक है, DSP जो है वो MOS इंटीग्रेटेड सर्किट पे फैब्रिकेटेड है। ठीक है, ये वाइडली यूज होते हैं ऑडियो सिग्नल प्रोसेसिंग में, टेली कम्युनिकेशन में, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में, रडार में, सोनार में, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम में एंड इन कॉमन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज मोबाइल फ़ोन, डिस्क ड्राइव्स एंड हाई डेफिनेशन टेलीविजन। ठीक है, सिग्नल प्रोसेसिंग जहाँ जहाँ भी हम सिग्नल की बात करेंगे, जहाँ जहाँ भी हम कहीं सिग्नल ट्रांसफ़र कर रहे हैं या सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं, अगर हम ऐसा कुछ बात कर रहे हैं इट मीन्स हम डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर की बात कर रहे हैं। और उन सब जगहों पे हमें डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर मिलेगा जहाँ पर हमें सिग्नल की रिक्वायरमेंट है। जैसे आपका ऑडियो सिग्नल प्रोसेसिंग हो गई, ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको रेडियो में मिलेगा, आपको रडार्स में मिलेगा, आपको जो आपके वाईफाई सिग्नल्स होते हैं उसमें मिलेगा, आपको टेली कम्युनिकेशन में, आपको जितने भी टेली कम्युनिकेशन के अंदर क्या है आपका सिग्नल्स तो ही हैं। ठीक है, वो सिग्नल्स ऑडियो ट्रैवल कर रहे हैं उनसे। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग है, इमेज प्रोसेसिंग में भी क्या है आपके सिग्नल्स ही हैं। रडार स्पीच रिकॉग्निशन क्या है? स्पीच रिकॉग्निशन भी ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल्स वो क्या करता है, वो रिकॉग्नाइज करता है स्पीच को। ठीक है, मोबाइल फ़ोन क्या है? मोबाइल फ़ोन इज टोटली डिजिटल सिग्नल्स हैं। डिस्क ड्राइव टोटली डिजिटल सिग्नल हैं। हाई डेफिनेशन टेलीविजन क्या है? वो भी डिजिटल सिग्नल्स के ऊपर हैं। जो आपके डिश टीवी एंटीना है, डिश टीवी एंटीना में क्या आ रहा है? डिश टीवी एंटीना में ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सैटेलाइट से तार बिछा हुआ है ना, सिग्नल ही आ रहा है ना। तो जब सिग्नल आ रहा है तो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर्स की ज़रूरत पड़ेगी उनको प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, अब डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर का गोल क्या है? ठीक है, गोल है मेजर करना, फिल्टर करना कॉन्टीन्यूस रियल वर्ल्ड एनालॉग सिग्नल को। ठीक है, फिल्टर करेगा, मेजर करेगा, कंप्रेस करेगा जो भी आपके रियल वर्ल्ड एनालॉग सिग्नल होंगे। ठीक है, मोस्ट जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर यू कैन आल्सो एग्जीक्यूट डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग एल्गोरिथम सक्सेसफुली। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखो ये मेरा एनालॉग सिग्नल है कोई भी, उसको मैंने क्या किया एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट के थ्रू कन्वर्ट किया और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग जो थी वो की उसके ऊपर, फिर मैंने डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट किया और फिर एनालॉग सिग्नल को फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि जो मेरी बाहर की डिवाइसेस हैं हो सकता है वो एनालॉग सिग्नल को ही रीड कर पा रही हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा उसको कन्वर्ट करूँगा पहले डिजिटल सिग्नल में जो बाहर से आया है उसको डिजिटल सिग्नल की उसमें प्रोसेसिंग करूँगा जो भी प्रोसेसिंग करना है, और जो भी प्रोसेसिंग होकर आउटपुट आएगी मैं दोबारा उसको क्या करूँगा डिजिटल एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्टर के थ्रू क्या कर दूँगा कन्वर्ट कर दूँगा। ठीक है ना, ऐसा करूँगा मैं। ठीक है, तो डेडिकेटेड DSP यूजुअली हैव बेटर पावर एफिशिएंसी, दस दे आर मोर सूटेबल इन पोर्टेबल डिवाइस सच एज मोबाइल फ़ोन बिकॉज ऑफ पावर कंजम्पशन कंस्टेंट। ठीक है, जो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर है स्पेशली मेमोरी आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है, दे आर एबल टू फेच मल्टीपल डेटा। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन एट द सेम टाइम। जो आपका DSP डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर है वो मल्टीपल सिग्नल्स को फैच कर लेगा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को फैच कर लेगा, साथ के साथ आपका जो उन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए मल्टीपल डेटा चाहिए उसको भी एक्सेस कर लेगा। ठीक है, अब जो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके डेटा कंप्रेशन टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करते हैं टू कंप्रेस द इंफॉर्मेशन विद द डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म होता है उसके थ्रू क्या है वो आपके जो भी डेटा है उसको वो कंप्रेस कर लेगा। ठीक है, इन पर्टिकुलर बीइंग अ वाइडली यूज कंप्रेशन टेक्नोलॉजी इन DSP, जो डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म है, डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप जो भी आपका डेटा कंप्रेशन है उस डेटा को आप कंप्रेस कर लेते हो। ठीक है, डेटा को आप कंप्रेस कर लेते हो बाई यूजिंग डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये मैंने आपको डायग्राम बताई दिया कि एनालॉग मेरे पास सिग्नल आ रहा है उसको मैं क्या कर रहा हूँ उसको वाया एनालॉग टू डिजिटल कंप्रेसर कन्वर्टर डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस करता हूँ और अगेन मैं डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के थ्रू उसको कन्वर्ट करता हूँ और
फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है। अब डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग एल्गोरिदम टिपिकली रिक्वायर अ लार्ज नंबर ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन टू बी परफॉर्म क्विकली एंड रिपीटेडली ऑन अ सीरीज ऑफ डेटा सैम्पल्स, ठीक है। जाहिर भी अगर सिग्नल प्रोसेसिंग हो रही है तो कोई भी आपका किसी भी तरह की प्रोसेसिंग होती है तो उसके अंदर आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन तो रिक्वायर्ड होते ही होते हैं, ठीक है, ऑन अ सीरीज ऑफ डेटा सैम्पल्स, ठीक है। सिग्नल्स परहैप्स फ्रॉम ऑडियो और वीडियो सेंसर आर कॉन्स्टेंटली कन्वर्टेड फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल मैनिपुलेटली डिजिटली एंड देन कन्वर्टेड बैक टू द एनालॉग फॉर्म, जो मैंने आपको इस डायग्राम के अंदर बताया कि जो भी मेरे सिग्नल हैं वो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट हो रहे हैं, फिर उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, फिर डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट हो रहे हैं, फिर आगे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। मैनी डीएसपी एप्लीकेशंस हैव कॉन्स्टेंट्स ऑन लेटेंसी दैट इज फॉर द सिस्टम टू वर्क द डीएसपी ऑपरेशन मस्ट बी कम्प्लीटेड विद इन सम फिक्स टाइम एंड डिफर्ड प्रोसेसिंग इज नॉट वायबल, ठीक है। अब इस ड्यू टू कन्वर्जन एंड प्रोसेसिंग क्या होता है, आपका कहीं ना कहीं जो भी कंप्लीशन टाइम होता है वो डिले हो जाता है, कंप्लीशन टाइम जो होता है वो मिस हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेसिंग, ठीक है। मोस्ट जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कैन एग्जीक्यूट डीएसपी एल्गोरिथम सक्सेसफुली बट आर नॉट सूटेबल फॉर यूज ऑफ पोर्टेबल डिवाइसेस सच एज मोबाइल फोन्स एंड पीडीएस बिकॉज ऑफ पावर एफिशिएंसी कंस्ट्रेंट। जो आपका जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो कैपेबल होते हैं एग्जीक्यूट करने के DSP डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग एल्गोरिदम को, बट ये जो एल्गोरिदम है ये सूटेबल नहीं है पोर्टेबल डिवाइसेस के ऊपर, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स हो गया, PDAs हो गई आपकी, क्योंकि पावर एफिशिएंसी कंस्ट्रेंट्स की, क्योंकि इनके पास क्या है, इनकी ये ऑपरेट हो रही है बैटरी पे सिंपल, ठीक है। और एट द टाइम ऑफ रनिंग आप उसको अगर आपके पास मतलब पावर बैंक नहीं है तो उसको आप चार्ज भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या है, ये डीएसपी एल्गोरिथम जो हैं वो इतनी सक्सेसफुल नहीं है आपके पोर्टेबल डिवाइसेस के ऊपर। आई स्पेशलाइज डीएसपी हाउएवर विल टेंड टू प्रोवाइड अ लोअर कॉस्ट सॉल्यूशन विद बेटर परफॉर्मेंस लो लेटेंसी एंड नो रिक्वायरमेंट फॉर स्पेशलाइज्ड कूलिंग एंड लार्ज बैटरीज, ठीक है। ये बहुत एफिशिएंट होती हैं, बहुत लो कॉस्ट होती हैं, परफॉर्मेंस की बहुत अच्छी होती है, स्पेशलाइज कोई हीटअप की कोई दिक्कत नहीं होती जिसके लिए आपको कूलिंग की ज़रूरत पड़े, कोई बहुत ज़्यादा लार्ज बैटरी रिक्वायर्ड नहीं होती है, ठीक है। ये तो ठीक है। अब एक बार आर्किटेक्चर देखते हैं, आर्किटेक्चर के अंदर क्या है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या है। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर आपका जो है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के अंदर, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो क्या है, जनरल पर्पस प्रोसेसर का हाईली रेगुलर जो इंस्ट्रक्शन सेट्स हैं वो हैं। ट्रेडिशनली इंस्ट्रक्शन सेट आर मेड अप ऑफ मोर जनरल इंस्ट्रक्शन दैट अलाउ देम टू परफॉर्म अ वाइडर वैरायटी ऑफ ऑपरेशन। इंस्ट्रक्शन सेट ऑप्टिमाइज फॉर डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, ठीक है। बोथ ट्रेडिशनल एंड डीएसपी ऑप्टिमाइज्ड इंस्ट्रक्शन सेट आर एबल टू कंप्यूट एनी आर्बिट्ररी ऑपरेशन बट एन ऑपरेशन दैट माइट रिक्वायर मल्टीपल ARM और x86 इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूट माइट रिक्वायर ओनली वन इंस्ट्रक्शन इन अ डीएसपी ऑप्टिमाइज्ड इंस्ट्रक्शन सेट, ठीक है। वो दोनों ही ट्रेडिशनली और जो डीएसपी इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या हैं, वो ARM और x86 इंस्ट्रक्शन को कंप्यूट करने के कैपेबल हैं, बट उनको क्या है, वन इंस्ट्रक्शन इन अ डीएसपी ऑप्टिमाइज्ड इंस्ट्रक्शन सेट, एक इंस्ट्रक्शन जो हैं वो डीएसपी ऑप्टिमाइज्ड इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर होना चाहिए। वन इम्प्लीकेशन फॉर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इज दैट हैंड ऑप्टिमाइज असेंबली कोड रूटीन्स कि आर कॉमनली पैकेज इन टू लाइब्रेरी। इसके जो लाइब्रेरीज होती हैं, जो लाइब्रेरीज मतलब होता है जिसमें आपका प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, वो प्री डिफाइंड फंक्शंस के अंदर जो क्या है वो हैंड ऑप्टिमाइज असेंबली कोड्स हैं, असेंबली प्रोग्रामिंग की हुई है, ठीक है, फॉर रीयूज इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन एडवांस कंपाइलर टेक्नोलॉजी। मतलब उसको आप रीयूज कर सकते हो इन ऑर्डर, मतलब अननेसरली यू नीड नो नीड टू रिलाई ऑन एडवांस कंपाइलर टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो असेंशियल टास्क होते हैं एल्गोरिथम को उनको करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन सेट हैं इसके, मल्टीप्लाई एक्यूमुलेट्स मैक इंक्लूडिंग फ्यूज मल्टीप्लाई एड FMA, ये कुछ आपके इसके आपके सर्किट्स हैं, वो सर्किट्स आपके वर्क करते हैं एक्यूमुलेट करने के लिए ऑपरेशन को, ठीक है। यूज एक्सटेंसिवली ऑल काइंड ऑफ मैट्रिक्स ऑपरेशन, जितने भी मैट्रिक्स ऑपरेशन होते हैं वो सारे यूज होते हैं
कन्वोल्यूशन फॉर फिल्टरिंग के लिए, डॉट प्रोडक्ट के लिए, पॉलिनॉमियल इवैल्यूएशन के लिए, जितने ही मल्टीपल ऑपरेशन होते हैं मैट्रिक्स ऑपरेशन वो यूज़ होते हैं, ठीक है। जो फंडामेंटल डीएसपी एल्गोरिथम होती हैं वो डिपेंड करती हैं मल्टीप्लाई एक्यूमुलेट परफॉर्म, मतलब एक्यूमुलेट की एक्यूमुलेशन परफॉर्मेंस जो होती है उसको मल्टीप्लाई करने के लिए, यू कैन से जस्ट डबल करने के लिए। एफआईआर फिल्टर्स होते हैं उनको मतलब परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए मल्टीपल करती हैं। फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है उसमें काफ़ी एफिशिएंट होती हैं ये, ठीक है। रिलेटेड इंस्ट्रक्शन SIMD VLIW, जो मैंने VLIW आपको भी थोड़ी देर पढ़ाया था, वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड, वो भी क्या है, वो कहीं ना कहीं आपके इसका पार्ट है, रिलेटेड है इंस्ट्रक्शन से। सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल जो हम लोगों ने डेटा पढ़ा था वो यहाँ पर आपके जो जिसको आप एरे प्रोसेसर बोलते हो, जहाँ पर मैंने बताया था कि लार्ज नंबर ऑफ़ एरेज, लार्ज नंबर ऑफ मैट्रिक्स की जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो SIMD के थ्रू परफॉर्म होते हैं, एरे प्रोसेसर की, वो कहीं ना कहीं इसका पार्ट है, ठीक है। अब स्पेशलाइज इंस्ट्रक्शंस फॉर मॉड्यूलो एड्रेसिंग इन रिंग बफर, बिट रिजर्व एड्रेसिंग मोड फॉर FFT क्रॉस रेफरेंसिंग, ठीक है। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्रॉस रेफरेंसिंग जो होती है उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस यूज होते हैं। टाइम स्टेशनरी एनकोडिंग के अंदर आपके ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं। जितने मल्टीपल अर्थमेटिक यूनिट्स होते हैं उनको मेमोरी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, उसके लिए आपके इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है आपकी फैच, डिकोड, सेपरेट डेटा वैल्यू, उन सब की डेटा वैल्यू को एक्सेस करती है फॉर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। लूप कंट्रोल होते हैं, लूप कंट्रोल क्या है, लूप कंट्रोल कहीं ना कहीं आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस को अपग्रेड करते हैं, ठीक है, आर्किटेक्चरल सपोर्ट के लिए, ठीक है। आपके जो आपके प्रोग्राम का फ्लो है या जो आपके इंस्ट्रक्शन का फ्लो है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो बाई स्पेशल लूप कंट्रोल्स। नेक्स्ट डेटा इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, सैचुरेटेड अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, ओवरफ्लो जिनकी चक्कर में प्रोड्यूस हो जाता है या कह लो लोड हो जाता है, ठीक है। फिक्स पॉइंट अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं स्पीड अप करने के लिए अर्थमेटिक प्रोसेस को। सिंगल साइकिल ऑपरेशंस होते हैं पाइपलाइन को इंक्रीज करने के लिए। सिंगल साइकिल मतलब एक एट अ टाइम एक इंस्ट्रक्शन को आप एग्जीक्यूट करते हो। प्रोग्राम फ्लो है, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट इंटीग्रेटेड डायरेक्टली इनटू डाटा पाथ, पाइपलाइन आर्किटेक्चर है, हाई पैरेलल मल्टीप्लायर एक्यूमुलेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लायर एक्यूमुलेटर, हार्डवेयर कंट्रोल लूपिंग टू रिड्यूस एलिमिनेट द ओवरहेड रिक्वायर्ड फॉर लूपिंग ऑपरेशंस, ठीक है। तो हार्डवायर कंट्रोल लूपिंग सिस्टम है जिससे कि ओवरहेड ख़त्म हो जाता है लूपिंग ऑपरेशंस का रिक्वायरमेंट का, ठीक है ना। तो ये आपका DSP था। इस DSP के अंदर अगर कोई डाउट है तो एक बार आप प्लीज़, आई होप आपको समझ में आया होगा ये।